नाम क्या भैया आपका? श्रीचंद। अच्छा, आपके मम्मी पापा जी का? कैलाशा देवी। और पापा जी का? गंगाराम। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं बेकरी में। अच्छा, बेकरी में काम करते हैं। हाँ जी। घर यही है आपका? हाँ यही है। आपके गांव का नाम भैया? भोजपुर। अच्छा, भोजपुर, ब्लॉक परशुरामपुर, जिला बस्ती। हाँ। अच्छा, आप अकेले हैं? नहीं, तीन भाई हैं। अच्छा, आपके भाइयों का नाम? बसंतलाल, सतीचंद। अच्छा, यादव हैं आपकी क्या है? नहीं, हम हरिजन हैं। अच्छा, हरिजन हैं। अच्छा अच्छा भैया, आपके गांव में प्रधान आते हैं? हाँ, प्रधान आते हैं। ये घर आपका ही है ना, छपरे वाला? हाँ, ये मेरा। इसी घर में रहते हो आप? हाँ। अच्छा, शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। अच्छा, तो मतलब ये घर में आप कैसे रहते हो, मतलब बारिश में दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत बहुत होती है बारिश में, चूता है देखो, पन्नी उन्नी लगा रखे हैं। अच्छा, आपको भैया ये आवास योजना का क्या कुछ पता है कि कब तक मिलेगा आवास? आवास तो मेरे को मिला नहीं। अच्छा, अभी तक मिला नहीं? नहीं, थोड़ा तेज। आवास आवास नहीं मिला है मतलब मेरे को कोई। अच्छा, शौचालय? शौचालय मिला है लेकिन वो भी वैसे है, सीट वोट नहीं लगा उसमें। अच्छा, चलता नहीं है? हाँ, बस बना के चल दिया है बस। अच्छा, आधार कार्ड बना है आपका? हाँ, मेरा आधार कार्ड बना है। अच्छा, राशन कार्ड? राशन कार्ड नहीं बना। अच्छा, तो राशन नहीं मिलता सरकार से? नहीं, मेरे को नहीं मिलता, मम्मी को मिलता है। अच्छा, मम्मी जी को मिलता है बस। अच्छा, कितना किलो राशन मम्मी जी को मिलता है भैया? इनको मिलता है मतलब हम लोग का नहीं बना है अभी। हाँ, वैसे मिलता है 25 किलो। अच्छा, गांव की सड़कें भी नहीं बनी है? गांव की सड़कें उधर खड़ंजा है, ये खड़ंजा है। अच्छा, आप पढ़ाई किए हैं भैया? मैं 8 तक पढ़ा हूँ। अच्छा, मैट्रिक पास हैं? हाँ जी। बहुत हंसी लगा। अच्छा, बेकरी का काम आप कहाँ करते हैं? दिल्ली में करता हूँ। अच्छा, दिल्ली में करते हैं, तो जो कमाते हो खाने भर के लिए होता है? हाँ, खाने भर के होता है और क्या। अच्छा, तो इसलिए घर नहीं बना पाए आप अभी? अच्छा, तो आप लोग कभी गए प्रधान जी के पास, मतलब बोले बताए घर क्यों नहीं बना? वो बोल रहे कि कॉलोनी तुम्हारा आएगा, ये है वो है। अच्छा, कितने साल से बोल रहे हैं मतलब कॉलोनी आएगा? अभी तो नए प्रधान है, वो भी कुछ किए नहीं है। अच्छा, कोटेदार आते हैं गांव के बच्चों की हालत देखने, मतलब बच्चे कैसे खा पी रहे हैं, भूखे मर रहे हैं? हाँ, आते हैं कभी कभी। अच्छा, आते हैं, देख के जाते हैं बस। हाँ। अच्छा, और सड़कें मतलब कितने साल से नहीं बनी, जब से खड़ंजा लगा, तो मतलब कितना साल हो गया? अभी तो खड़ंजा है, उधर का सड़कें भी वैसे मतलब बनी है, पक्की है। अच्छा, गांव की नहीं बनी है? हाँ। अच्छा, बच्चे आपके कितनी दूर जाते हैं मतलब पढ़ाई करने? ये हरिगांव, हरिगांव चौराहा। अच्छा, हरिगांव चौराहे पे जाते पढ़ने? अच्छा, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ, अच्छी होती है वैसे। अच्छा, प्राइमरी में जाते पढ़ने? हाँ। अच्छा अच्छा, भी आपके गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो सरकारी अस्पताल में जाते हैं दवाइयाँ लेने? जाते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होता सही सरकारी में। अच्छा, सुनवाई नहीं होती वहाँ पे? वहाँ पे क्या, देख लेंगे दवाई बाहर से लिख देंगे। अच्छा, देख लेंगे दवाई बाहर से लिख देंगे। अच्छा, तो इतनी सारी दिक्कतें हैं मतलब इतने साल से, मतलब आप लोग ऐसे ही हो ये गांव में, मतलब ये गांव के लोग बेचारे ऐसे भी गरीबी में डूबे हैं। हाँ हाँ, गरीबी में है, अभी तक कोई सुधार नहीं आ रहा है। क्या सुधार आएगा? अच्छा, बारिश में तो और गंदगी फैल जाती है कि बच्चे और बीमार पड़ते हैं? बारिश में तो हो ही जाता है। अच्छा, तो बारिश में खर्चा और बढ़ जाता है? अच्छा अच्छा, बच्चे भैया आपके गांव में मतलब ऐसा कोई बच्चा पढ़े लिखे किसी को सरकारी नौकरी मिली? किसी को नहीं मिली। अच्छा, किसी को नहीं मिला? अच्छा, आपके गांव का पूरा मतलब एड्रेस अच्छे से बताइए, मतलब क्या ब्लॉक है, जिला, तहसील? गांव का नाम भोजपुर हो गया? हाँ, गांव का नाम भोजपुर, पोस्ट हरीश नगर हरिगांव। पोस्ट हरीश नगर हरिगांव, थाना परशुरामपुर, थाना परशुरामपुर, जिला बस्ती, तहसील हरैया, उत्तर प्रदेश। अच्छा,